हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये कर्टेन का डिज़ाइन। देखें, इसका आप पर्दा बना सकते हैं बटरफ्लाई बना के। ये देखने में बहुत खूबसूरत है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आए देखें ये हम इससे पर्दा किस तरह बना सकते हैं। ये देखें, देखिए फ्रेंड्स, हमें जितना लंबा कर्टन बनाना है उसके हिसाब से हम यहाँ चैन लेंगे। मैं आपको छोटा सा एक हिस्सा बना के दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से चैन लें। आपको जितना जितनी लंबाई चाहे उतने उसके हिसाब से यहाँ पे चैन लें। देखें, इस तरह से ये लगाया जाएगा, इसलिए आप इसी हिसाब से यहाँ चैन लेंगे। देखें, मैं चैन बना रही हूँ, आप करीब इस तरह से बांधेंगे पहले और चैन बनाएंगे। देखें, मैंने इतनी लंबी चैन ली है, इसमें मैंने 45 चैन बनाई हैं। अब आप यहाँ से 9 फंदे 9 चैन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें में आएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चैन लेंगे और देखें यहाँ से 1 2 3 तीसरे में आएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चैन और फिर यहाँ से 1 2 3 तीसरे में आएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चैन और 1 2 3 तीसरे में आके इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। ये मैं पूरी कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ आपको। देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इतना चैन बना के तैयार कर लिया है। सब दो दो तीसरे नंबर पे चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब आप यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और ये 1 2 3 इस तरह से यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, बाकी बचे इन चैनों में इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे 4 बार। देखें, 1 2 बन गया है, 3 और ये इस तरह से 4। ये हमारी इस तरह से लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और अब आप इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, 1 2 3 4 बार बना लिया है। अब आप 1 2 चैन लेंगे और देखें इनके ऊपर इस तरह से
डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन लेंगे और इस पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो चैन और डबल क्रोशिया। देखें इस तरह से एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया करते हुए आप यहां तक आएंगे। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूं। देखें ये हमने यहां तक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब आप देखें यहां पे दो चैन लेके इसके ऊपर इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इस तरह से इसमें, इस तरह से हमारी एक दो तीन चार डबल क्रोशिया बन गई है। अब आप तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन इस तरह से घुमाएंगे और देखें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे और इसके अंदर दो बार डबल क्रोशिया, और एक ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी इस तरह बन जाएगी, एक दो तीन चार, चार बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब आप इस लाइन को इसी तरह से ऊपर ये स्क्वायर शेप एंड तक बनाएंगे, दो चैन लेंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन और डबल क्रोशिया। इस तरह हम यहां तक बनाते हुए जाएंगे और इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया चार बार जैसे ये बना है इस तरह बनाते हुए एंड तक आएंगे। मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक स्क्वायर शेप पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप इन डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चार बार बना लेंगे। देखें यहाँ पे आप तीन चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे और इनके ऊपर एक एक फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आप दो चैन लेके इन डबल क्रोशियों के ऊपर इस तरह से स्क्वायर शेप कंप्लीट करोगे। इसी तरह से हम ये एंड तक आएंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है लाइन। अब देखें आप यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके ऊपर बना लेंगे। इस तरह से हमारा एक दो तीन चार बन गया है। अब आप यहाँ एक दो तीन चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और ये इसमें आके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह ये हमारा एक दो तीन चार बार बन गया है। देखें ये इस तरह से डिजाइन बन के तैयार होएगा हमारा। अब आप दो चैन लेंगे,
और इनके ऊपर देखें ये स्क्वायर शेप एंड तक हम फिर वैसे ही भरते हुए आगे जाएंगे। ये पूरी लाइन इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करें। मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें इस तरह से हमारा ये यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाएंगे। एक दो तीन चार बन गया है। एक दो तीन चैन लेके इस तरह घुमाएंगे और इनके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन और यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर शेप हम कंप्लीट करेंगे पूरी लाइन का एंड तक। इस तरह से देखें यहाँ तक हमने स्क्वायर बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ एक दो चैन लेंगे और देखें इसमें आएंगे इस तरह से चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह बन गया हमारा शेप। अब आप यहाँ पे आठ चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चैन लेने के बाद आप देखें इसमें आएंगे और इसी तरह से यहाँ बनाएंगे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार। एक दो चैन बनाएंगे और इसी में फिर से चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह घुमाएंगे। देखें अब आप इसमें इस तरह से डालेंगे और फंदा इस तरह से आगे लाएंगे। देखें अब हम यहाँ पे एक दो तीन चैन लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार दो और ये तीन, एक दो तीन चार, ये हमारे डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पे आप एक दो चैन लेंगे और इस तरह से चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब 8 चैन लेंगे इस तरह से, इसमें आएंगे और इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बनाएंगे और फिर 4 बार डबल क्रोशिया। दो चैन बनाएंगे। अब आप यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर शेप बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे और ये स्क्वायर शेप बनाएंगे। इसी तरह हम अब ये वाली लाइन स्क्वायर शेप की पूरी जैसे हमने नीचे कंप्लीट करी उसी तरह से कंप्लीट करते हुए एंड तक आएंगे और फिर घूम के इस तरफ आएंगे। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखें, ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, घुमाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया इसी के ऊपर एक एक बनाएंगे। तीन चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे और इनके ऊपर भी इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बनाएं और अब देखें ये स्क्वायर शेप पूरा कंप्लीट करेंगे पूरी लाइन एंड तक। इस तरह से मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है। अब आप दो चैन लेंगे और देखें इसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन लेंगे और देखें अब इसमें आए इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें 4 बार। इस तरह से अब आप 9 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 चैन बनाएं, इसमें आएंगे और इसमें उसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और 4, फिर 2 चैन और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से घुमाएंगे और देखें इन फंदों में से इस तरह से फंदे बांधते हुए ऊपर आएंगे। देखें इसमें आ गए हैं। अब यहाँ पे आप 1, 2, 3 चैन लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। 2 चैन बनाएंगे और 4 बार फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। एक
दो, तीन और चार। देखें इस तरह हमारा बनके ये तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 इसमें आएंगे, इसमें निकालेंगे और चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 दो चैन लेंगे और इसी में फिर से चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह ये हमारी लाइन बन गई है। अब आप दो चैन बनाएंगे और इसमें इस तरह से फिर से स्क्वायर शेप कंप्लीट करेंगे पूरी लाइन की, दो चैन और ये इस तरह से पूरी एंड तक इसी तरह से बनाएंगे आप। बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें फ्रेंड्स ये मेरी स्क्वायर शेप लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आप इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया एक के ऊपर एक चार बार बना लेंगे। देखें इस तरह से। अब आप तीन चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब ये स्क्वायर शेप कंप्लीट करेंगे आप। 1, 2 चैन ली, दो चैन और ये डबल क्रोशिया। इस तरह से आप ये लाइन पूरी इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। देखें हमने यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अब आप दो चैन लेने के बाद देखें इसमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप यहाँ पे 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से घुमाएंगे और इसमें इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करेंगे। देखें ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है और इसके बाद आप इसके ऊपर एक एक इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार एक के ऊपर एक। तीन चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे और इनके ऊपर फिर से इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखें चार बार इस तरह डबल क्रोशिया बन गई है। दो चैन लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम ये स्क्वायर शेप कंप्लीट करेंगे। दो चैन, एक डबल क्रोशिया, दो चैन और ये डबल क्रोशिया। इसी तरह हम एंड तक पूरा कंप्लीट करेंगे। देखें इस तरह से ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये अब हम आखिरी वाले में आए हैं। इसमें आप फिर से, अब हमारी ये वाली लाइन फिर से शुरू होगी। हमारा नेक्स्ट जो बटरफ्लाई है वो आगे से बनेगा। ये वाली लाइन हमारी यहाँ से फिर शुरू हो रही है। यहाँ पर आप चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें ये आखिरी वाला इस तरह से, इसमें से अब हम इस तरह से घूमेंगे और दो, देखें ये अब हम यहाँ पे एक दो दो चैन लेंगे और इस तरह से यहाँ आके फिर इसके अंदर हम एक दो तीन और ये इसमें ले लेंगे एक चार। देखिए अब ये हमारी फर्स्ट लाइन फिर से इसी तरह से शुरू हो रही है। इसी तरह अब हमारा यहाँ का एक एक बटरफ्लाई कंप्लीट हो गया है। सेकंड बटरफ्लाई यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी तरह आप रिपीट बाय रिपीट जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बनाते जाएं। अब आप देखें इसमें हमने बटरफ्लाई की जो एंटीना लगाए हैं, आप चाहें तो इसमें इसी कलर का लगा लें या कोई दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। देखें चाहे तो आप सफेद लगा लें या आप पिंक का शेड ही दे सकते हैं। देखें आप इतनी बड़ी कट कर लें। मैंने इसमें व्हाइट ही शेड लगाया है। मैं इसमें आपको देखें इस तरह से यहाँ निकालेंगे। इसमें मैं आपको व्हाइट कलर का शेड लगा के दिखा रही हूँ। ये बराबर कर लेंगे आप और इसको इस तरह से जोड़ के एक गांठ बांध देंगे। देखें ये हमारी बटरफ्लाई बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसका एंटीना। देखें स्टेप बाय स्टेप आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा आप इसमें बना सकते हैं। ये मैंने तीन बटरफ्लाई का बना के कंप्लीट करके आपको दिखाया है और ये आपको अभी बना के दिखाया मैंने एक पूरा बटरफ्लाई। देखें हम इसमें पिंक शेड भी लगा के दिखा दें आपको। देखें इतना बड़ा ले लें आप। कट कर लें।
और इसके बीच में से इस तरह निकालते हुए आप इसको बांध लें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।